सभी सुंदर साथ को कोटानकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 12 की 11 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बाकी जो तीस रहे सो राखियो छिपाए, बका दरवाजे खोल सी आखर को हम आए। शेष 30,000 शब्दों को गुप्त रखना, अंतिम समय में आकर मैं अखंड के द्वार खोलूंगा। कॉल किया हके मुझसे हम आवेंगे आखर, जो आवे इमाम उम्मत को तुम जाए देओ खबर। परमात्मा ने मुझे वचन दिया कि वे अंत समय में आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रह्म आत्माओं को विश्वास उत्पन्न हो जाए, इसीलिए तुम पहले ही जाकर उन्हें यह समाचार दे दो। होए काजी हिसाब ले यसी, दुनी को होसी दीदार, भिस्त देसी कायम रूहे लेसी नूर के पार। रसूल ने यह भी कहा कि अंतिम समय में परमात्मा न्यायाधीश के रूप में आकर सबके कर्मों का लेखा जोखा रखेंगे। तब सभी जीवों को उनके दर्शन होंगे, वे सभी जीवों को मुक्ति स्थलों में स्थान देंगे तथा ब्रह्म आत्माओं को अक्षर से परे अक्षरातीत परम धाम ले जाएंगे। ईसा मेहंदी जबराइल और असराफिल इमाम, मार दजाल एक दिन करसी खोल सी अल्लाह कलाम। उस समय सतगुरु श्री देवचंद्र जी अंतिम समय के धर्म गुरु के रूप में धर्म का नेतृत्व करेंगे। जिब्रिल एवं इसराफिल फिरस्ता उनके साथ होंगे। वे नास्तिकता रूपी दजाल को मारकर एक धर्म की स्थापना करेंगे और कुरान आदि धर्म ग्रंथों के रहस्य को स्पष्ट करेंगे। सोए कौन माने नहीं हिंदू मुसलमान, महमद कहे जाहिर पर ए ल्यावे ई ना ईमान। इस प्रकार रसूल मोहम्मद द्वारा कहे हुए वचनों को हिंदू तथा मुसलमान दोनों ने ही स्वीकार नहीं किया। रसूल मोहम्मद ने तो स्पष्ट कहा है किंतु ये लोग उनके वचनों पर विश्वास नहीं करते। तो भी न माने हक सूरत पातशाह इपलिस दिलो जिन, कहे हक न किन्हू देखिया खुदा निराकार है सुन। इतना कहने पर भी बाह्य दृष्टि वाले ये लोग परमात्मा के स्वरूप को नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके हृदय पर दुष्ट इबलिस का शासन है। उनका कहना है कि परमात्मा को किसी ने देखा ही नहीं है, इसलिए वह शून्य तथा अथवा निराकार है। सोई कौल शरियत ने पकड़ लिया इनो से, कौल तोड़त रसूल के दुश्मन बैठा दिल में। सराय के लोगों ने भी निराकारवादियों के इन्हीं वचनों को सिरोधार्य किया है, इसीलिए वे रसूल के वचनों को भंग करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में भी दुष्ट इबलिस शत्रु बनकर बैठा हुआ है। आखर आए रूह अल्लाह सो लीजियो कर यकीन,
ये समझेगा बेवरा सोई महमद दीन। यह निश्चित मान लो कि इस समय, इस अंतिम कयामत के समय में सतगुरु श्री देवचंद्र जी प्रकट हो गए। जो इन वचनों को का रहस्य समझेगा वही इन सतगुरु द्वारा उपदिष्ट धर्म में माना जाएगा। जो कछु कहया महमद दे इसे भी कहया सोए, ए मायने सो समझ ही जो अरवा अरस की होए। परमात्मा के विषय में रसूल मोहम्मद ने जो बातें की है उन सभी की स्पष्टता सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने की है, परंतु जो परमधाम की आत्माएं होंगी वे ही इन वचनों को समझ पाएंगी। सात लोक तले जीनी के मृत्यु लोक है तीन पर, इंद्र रुद्र ब्रह्मा बीच में ऊपर विष्णु वैकुंठ घर। इस पृथ्वी के अधो भाग में सात पाताल है, उनके ऊपर मृत्यु लोक है, इसके ऊपर के लोकों में इंद्र रुद्र ब्रह्मा आदि रहते हैं। उन 14 लोकों में सबसे ऊपर भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम है। निराकार वैकुंठ पर तीन पर अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत ब्रह्म तीन पर यो कहे इसे का इलम। वैकुंठ से परे निराकार है, उससे परे अक्षर ब्रह्म है, उनसे भी परे अक्षरातीत पर ब्रह्म है। इस प्रकार सतगुरु देवचंद्र जी प्रदत्त आत्म ज्ञान स्पष्ट कहता है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 12 की 22 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।